सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम आनंद मार्ग, जहां निरंतर हम ये बताते हैं कि कैसे आप अपना सहयोग दे सकते हैं इस समाज के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए करना होगा, इस समाज के लिए अपना योगदान देना होगा, समाज के लिए कार्य करने होंगे। यही उद्देश्य भी है आनंद मार्ग का, और इसीलिए इस संस्था की स्थापना की गई। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनके जीवन से हम परिचित हुए, हमने समझा क्यों उनका उद्देश्य रहा इस धरती पर आने का, क्या उद्देश्य था, क्या कार्य रहे, क्या सेवाएं रही। अब उनके दर्शन को लेकर आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि दार्शनिक अवदान क्या रहे उनके। लेकिन ये सब जानेंगे, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी, जिन्होंने अपने कई वर्ष भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के साथ बिताए। उनके अनुभव से हम समझेंगे क्या है उनका दार्शनिक विचार। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमने भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बारे में जितनी भी रहस्य सुने हैं, जितने भी रहस्य से उजागर हुए हैं, उतनी ही हमारी भ्रांतियां दूर हुई हैं। उनके जीवन को लेकर हमारी जो भी भ्रांतियां थी वो आपके माध्यम से दूर हो चुकी है। लेकिन उनके दर्शन की बात की जाए, उनके दार्शनिक अवदान की बात की जाए, तो वो क्या रहा? उन्होंने त्रिशास्त्र दिया जी। त्रिशास्त्र में आता है दर्शन शास्त्र, ठीक, धर्म शास्त्र और समाज शास्त्र। तीनों को मिलकर के कहते हैं त्रिशास्त्र। और समाज के दिशा निर्देश के लिए ये तीनों शास्त्र चाहिए जी। तीनों में से जब किसी एक या एक से अधिक का अभाव हो जाता है तो समाज का रास्ता, समाज का की डगर चलने लायक नहीं होती है, आदमी उस पर डगमगाता है चलने में जी। तो गुरुदेव ने, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने त्रिशास्त्र दिया। त्रिशास्त्र में पहला है दर्शन शास्त्र जी। जो तो दर्शन शास्त्र की चार प्राचीन शाखाएं मानी जाती है, ठीक। उसकी एक शाखा है एपिस्टेमोलॉजी, जिसको कहते हैं ज्ञान तत्व जी। दर्शन शास्त्र ज्ञान तत्व समय के मुताबिक उसको पूरा करके आदमी को ज्ञान दृष्टि से, क्योंकि दर्शन है दृष्टि, दृष्टि प्रदान करता है, तो ये ज्ञान तत्व के द्वारा दर्शन उस अभाव को पूरा करता है, ठीक। दूसरा है ईश्वर तत्व, ऑन्टोलॉजी, क्योंकि ईश्वर के बारे में भी ज्ञान देना, उसकी व्याख्या करना दर्शन का काम है जी। क्योंकि ईश्वर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, ईश्वर है, सगुण है, निर्गुण है, एक है, अनेक है, कई प्रकार के बाद जितने बाद दुनिया में है उसमें सबसे अधिक बाद है दर्शन की दुनिया में। तो वादों का ही है संकलन, जिसको दर्शन कहते हैं। तो इस ईश्वर तत्व में की भी गुरुदेव ने ऐसी पुष्टि कर दी है कि जितनी भ्रांतियां थी उसको उसमें दूर किया है, क्योंकि इनके दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, ठीक। निर्गुणावस्था में परमात्मा भावना लिए एको हम बहुत श्याम है, लेकिन उनका कोई स्वरूप नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वहां सृष्टि नहीं। तो ईश्वर का वो स्वरूप जी जहां केवल भावनामय है, इसको मॉडर्न फिजिक्स ने कहा पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी जी।
ऐसा पॉइंट जो इनफाइनाइटली स्मॉल हो और इनफाइनाइटली कंडेंस्ड हो, जिसको मॉडर्न फिजिक्स आज कह रहा है, ईश्वर का वो स्वरूप है निर्गुणावस्था। इसी में जब वो लेते हैं एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हूँ हो जाऊं, इसकी व्याख्या जब गुरुदेव ने की है वो है ईश्वर तत्व की भी ऑन्टोलॉजी की भी पूर्ण वैज्ञानिक उन्होंने व्याख्या कर दी, इसलिए इससे भी लोगों को पूरा सेटिस्फेक्शन होता है। दूसरा है मेटाफिजिक्स, सृष्टि तत्व जी। सृष्टि तत्व के बारे में भी दर्शन और विज्ञान दोनों उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, सृष्टि कैसे हुई, सृष्टा और सृष्टि में क्या संबंध है जी। इसकी भी उन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक व्याख्या कर दी। तो इस सृष्टि तत्व में भी, इस मेटाफिजिक्स में भी, इस तीर्थशास्त्र के गुरुदेव का की अनुपम देन है। और जितनी भ्रांतियां थी वो दूर हो गई, आगे के हम एपिसोड्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या है। और तीसरा एथिक्स है, नीति शास्त्र। आमतौर पर आदमी नीति और धर्म में अंतर नहीं समझ पाता, लेकिन नीति है कैरिंग फोर्स, ढोने वाली शक्ति, और धर्म है पहुंचाने वाला। तो इस नीति शास्त्र में भी गुरुदेव का कंट्रीब्यूशन है कि जीवन के जो मौलिक मूल्य हैं वो बदलते नहीं। इसने मौलिक मूल्यों पर चल करके ही हम धर्म पथ पर चल सकते हैं, इसलिए उस अभाव को भी दर्शन शास्त्र में उन्होंने पूरा किया है, इस पर भी उनका कंट्रीब्यूशन है। और चौथा है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान तत्व, जो मैं पहले बतला चुका हूँ। इसके अलावा पांचवा जो दर्शन ने एक्सेप्ट कर लिया है, साइकोलॉजी, उसमें गुरुदेव ने एक और नया सेक्शन खोल करके बायो साइकोलॉजी, इसको और पुष्टि उन्होंने प्रदान की है जी। कि इसमें है बॉडी माइंड रिलेशन, कि शरीर मन को और मन शरीर को प्रभावित करता है। इस प्रकार से दर्शन शास्त्र को उन्होंने पूरा पुष्ट किया है। ठीक। जो दर्शन शास्त्र में जो अभाव था, गुरुदेव ने त्रिशास्त्र में दर्शन शास्त्र को पूरा कर दिया, और आज के लिए अपडेट दर्शन शास्त्र उन्होंने दिया, जिसको उन्होंने पूरा आनंद सूत्र में किया, 85 सूत्रों जी। तो जी, रोकना चाहूंगी, एक भ्रांति है उसको दूर करना चाहूंगी। दर्शन शास्त्र की आपने बात की है, उस वक्त काफी दर्शन शास्त्री रहे होंगे, बहुत से ऐसे ज्ञानी थे जो अपने अपने व्यूज देते थे, बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, तो उस वक्त उनका रिलेशन या उनका कंपैरिजन या यूं कहें कि उनका मत क्या रहा आनंद मार्ग के? हम जब दर्शन विषय पर आएंगे तो इसको हम एक्सप्लेन कर दें, लेकिन एक बात आपको कह दूं कि सुकरात से लेकर अब बट एंड रसल तक वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत सारे दार्शनिक आए, बहुत सारे दर्शन आए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कमियां छोड़ रखी हैं जिसको इन्होंने पूर्ति की। कैसे की, हम आगे के एपिसोड्स में इसको बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा है कि इंडियन फिलॉसफी में खड़ दर्शन है, उस खड़ दर्शन में अंतिम दर्शन है वादरायन का, जिसको आज अद्वैत वेदांत के नाम से आप जानते हैं। उसमें जो जो भ्रांतियां रह गई आज जीवन में, उसको कैसे उतारेंगे जी, उसको भी गुरुदेव ने आज वो पूरा किया आनंद सूत्र के माध्यम से। इसलिए दर्शन की कमियों को, चाहे ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के बाद भारत में दर्शन आया नहीं, और इसके बाद चार मनीषी इस धरती पर आकर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साइंटिफिक कर दिया जी। क्योंकि डार्विन के विकासवाद ने, तो हमारी अगर मान्यता हो कि ये टाइम फ्रेम में ये दुनिया बनी, उसको डार्विन ने कहा, डार्विन के विकासवाद नहीं, इसमें तो समय लगा, इवोल्यूशन हुआ है, तो उसका दर्शन में समावेश नहीं हुआ, गुरुदेव ने उसका भी समावेश कर दिया जी। दूसरा है मार्क्स ने हमारी दृष्टि दी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री की, कि जीवन को इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें वो भी दर्शन में नहीं हुआ, प्रौत दर्शन के रूप में गुरुदेव ने उसको भी पूरा कर दिया। तो जितनी कमियां थी दर्शन की दुनिया में, गुरुदेव ने पूरा किया। तीसरा, फ्रायड ने हमारी दृष्टि, जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट थे, उसी को जीवन को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बना फ्रायड ने। गुरुदेव ने कहा कि हमारे अतिमानस कोष में, अनकॉन्शियस माइंड में तो इतनी शक्ति है,
भरी पड़ी है, उसको अगर हम साधना विज्ञान के द्वारा खोलेंगे तो हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जिस पर आदमी पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए साइकोलॉजी को फ्रायड से बहुत आगे गुरुदेव ने बढ़ा दिया। बिल्कुल, यानी कि उनके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि कैसे दर्शन शास्त्री जो हमारे रहे, उनके जो भी मत रहे, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। उस कमी की पूर्ति की भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है अंतराल का, तो बने रहे हमारे साथ। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम आनंद मार्ग। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आनंद मार्ग को दिया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जवानी में ही, यानी कि स्टार्टिंग में जब युवा वर्ग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना आनंद पूर्वक जीवन यापन करें इस समाज के साथ, भौतिक चीजों के साथ, लेकिन उन्होंने अपना इस जीवन को समर्पित किया आनंद मार्ग में और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के साथ अपने सारे कई वर्षों तक, यानी कि संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में लगाया, उनके चरणों में रहे, यानी कि गुरु चरण में हमेशा लीन रहे। मैं बात कर रही हूँ आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी की, जिनके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि क्या है सच में आनंद मार्ग, क्या कहते हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, क्या है उनका उद्देश्य। दर्शन को लेकर हमारी चर्चा बनी हुई है, दार्शनिक अवधान क्या कह रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर से यही जानना चाहेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमसे वंचित रह गई हैं अभी दर्शन को लेकर और जो हम नहीं जान पा रहे हैं जी। तो जहां मैं डार्विन ने छोड़ा, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने वहीं से स्टार्ट किया। विकास के का जो विज्ञान था
उसको जिस पड़ाव पर छोड़ दिया था डार्विन, कि आज तक डार्विन का विकासवाद ये नहीं बतला पाया कि विकास का सही कारण क्या है। बोलना तो आसान है कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, जी। लेकिन ये विकास कैसे हुआ, बंदर से आदमी कैसे बन गया? जी। गुरुदेव ने कहा कि ये चलते चलते विकास के क्रम में एक शब्द है उन्होंने प्रयोग किया है, व्यतिक्रम। चलते चलते वो एक शाखा बन गई, उसी से आदमी चल रहा है, चलते चलते जरा बाएं हो गया, चलते चलते जरा दाएं हो गया। जी। वैसे ही वो होमो सेपियंस चल रहे थे, उसी में से एक शाखा निकल गई, उसको उन्होंने कहा है व्यतिक्रम, उससे मानव पैदा होगा, होमो सेपियंस बन गए। जी। आज से 10 लाख वर्ष पहले। तो जहां डार्विन ने छोड़ा, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने वहीं से पकड़ लिया। ओके। जहां मार्क्स ने छोड़ा, वहां से भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी पकड़ लिए। जहां फ्रायड ने छोड़ा, वहीं से उन्होंने पकड़ लिया। जहां आइंस्टीन ने छोड़ा, वहीं से भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पकड़ लिया। इस प्रकार दर्शन की जो भी कमियां थी, जहां अभाव रह गया था भारतीय दर्शन में, पाश्चात्य दर्शन में, उसको आनंद मार्ग का दर्शन उसको पूरा करता है। इस प्रकार से उन्होंने पहली चीज दी त्रिशास्त्र में, पूर्ण जीवन दर्शन, ये मिल गया। दूसरी उनकी अनुपम भेंट है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों की कमी नहीं है, हिंदुओं के लिए वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथ, रामायण, उपनिषद, गीता, महाभारत, ये सब धर्मशास्त्र हैं। जिसका आदमी अवलोकन करता है, उसमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आदमी खोजता है प्रेरणा कैसे मिले। ईसाइयों के पास भी धर्मशास्त्र है, बाइबल, लेकिन आज ऐसे ईसाई हैं पढ़े लिखे जो डार्विन के विकासवाद को मानते हैं, और वो नहीं मानने को तैयार हैं कि 6 दिनों में सृष्टि हुई और 7वें दिन बनाने वाला आराम किया। उसी प्रकार से जितना भी सेमिटिक बिलीफ है उनके पास धर्मशास्त्र हैं, हिंदू समाज के पास भी धर्मशास्त्र है, लेकिन आज क्लियर कट गाइडेंस चाहिए आदमी को कि हम धर्म के पथ पर कैसे चलें, और धर्म के पथ पर चलने के लिए नीति चाहिए, जीवन को निर्देशन चाहिए। इसका अभाव था। इस अभाव को गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पूरा किया कि धर्म के पथ पर चलने के लिए नीति का सिद्धांत आदमी को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मजहब को धर्म समझ रखे हैं तो ये गलतफहमी है। जी। आदमी धर्म है स्वभाव, जैसे आग का धर्म है गर्मी पहुंचाना या जलाना, जल का धर्म है शीतलता, ठंडा करना। तो प्रकृति में, इस क्रिएशन में जितने भी जीव हैं, सबका अलग अलग धर्म है, धर्म है सबका धर्म है, लेकिन उसके बीच में सहज धर्म यह है कि सब चीज चाहता है सुख। तो जो मनुष्य है उसका धर्म क्या हो सकता है? जी। उसका धर्म क्या हिंदू धर्म हो सकता है, या इस्लाम हो सकता है, या ईसाइयत हो सकती है, या जरस्त्रुवाद हो सकता है, या बौद्ध या जैन, ये सब धर्म हो सकता है। ये सब मजहब हैं। मजहब होता है कि भगवान की पूजा करेंगे तो ऐसे करेंगे जी। लेकिन धर्म बतलाता है कि भगवान की आराधना करके हम उनसे आनंद लेंगे, ये धर्म हुआ। लेकिन कैसे पूजा करेंगे ये हुआ मजहब। तो मजहबी भेद हो सकता है, लेकिन धर्म के मामले में तो आदमी एक है, स्वभाव है परमात्मा को प्राप्त करना। बिल्कुल। आदमी भौतिक सुख से संतुष्ट नहीं हो सकता, कितना भी मिल जाए जी। इसलिए आदमी सुख नहीं खोजता, आनंद खोजता है। अब दुनिया से जो भी प्राप्ति होती है उसको कहते हैं सुख जी। और आनंद है बृहत की ऐषणा, परमात्मा को पर हम जब चलेंगे, परमात्मा के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि परमात्मा है आनंदम ब्रह्म इत्याहु, परमात्मा ही आनंद है। तो जब हमारी दिशा परमात्मा की तरफ हो जाती है, और उसके लिए जो निर्देश जहां से हमको मिलता है, जिन जिन आदर्शों पर चल के जी।
हम उस पद को प्राप्त करते हैं, उस पद को प्राप्त करना करते हैं, तब हम कहते हैं कि जीवन में धर्म का आचरण हुआ और धर्म हमारे जीवन में प्रस्फुटित हुआ जी। होता क्या है कि आदमी पद खोजता है, लेकिन चाहता तो है परम पद, खोज है परम पद की, लेकिन हम चाहने लगते हैं पद, इसीलिए संसार में गतिरोध पैदा होता है जी। तो धर्मशास्त्र परम पद का रास्ता बतलाते हैं कि हम उस पद पर कैसे चलें। गुरुदेव ने जितने भी सुभाषी संग्रह के निर्देश हैं सब धर्मशास्त्र है, और उन्होंने हमको धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। गुरुजी ने हमें बताया कि धर्म के रास्ते पर चलकर ही हम, दूसरा कंटिन्यूशन उनका है धर्म जी, शास्त्र। बिल्कुल, और भी बहुत विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन समय का भाव रहता है तो यही विराम देना चाहेंगे। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे, आप भी जानना चाहते हैं, अपनी सारी भ्रांतियों को दूर करना चाहते हैं, समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपना सहयोग दे सकें, आनंद मार्ग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।